ओम साई राम। आपका मेरे चैनल सीक्रेट रेसिपी विद लक्ष्मी में स्वागत है। आज हम बनाएंगे शुगर फ्री गाजर का हलवा। इसको बनाते वक्त हमें गाजर को ना ही काटना है और ना ही घिसना है। फिर भी इस गाजर के हलवे की टेस्ट हलवाई की दुकान में मिलने वाले गाजर के हलवे की तरह आएगी, इसकी गारंटी है। यह हलवा बनाते वक्त हमें चाहिए 1 किलो गाजर। गाजर को पानी से अच्छे से धोना है, बाद में गाजर को छील लेना है। नीचे का जो ग्रीन पार्ट है कट कर देंगे। इसको कट करने से हमें जो गाजर खाते वक्त जो कड़वापन आता है वो नहीं आएगा। गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे। इसे गर्म होने के बाद इसमें 1 कप घी डालना है। घी को पिघलने देंगे, उसमें गाजर डालेंगे। अगर गाजर बर्तन से बड़ी है तो 2 हिस्सों में कट कर देंगे। गाजर को घी में मिक्स करना है। गाजर और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसको हमें 2 से 3 मिनट तक चलाना है। वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होने के बाद उसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे। दूसरे एक बर्तन में हम 1/2 लीटर दूध ले लेंगे। दूध को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू सत्तू डालेंगे, क्योंकि हमें नींबू दूध को फाड़ना है, यानी उसका पनीर बनाना है। उसका पनीर बन गया है, उसको हम छान लेंगे। गरम गरम है तो धीरे से करेंगे। उसमें हम साफ पानी डालेंगे, जैसे कि उसमें जो खट्टापन है वो ना आए, और हम बाजू में रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारी गाजर अच्छे से पक गई है, वो सॉफ्टली कट हो रही है। अभी हम इसे फिर से बीच बीच में भूनते रहेंगे। अब इसमें हमें 1 कप दूध डाल देना है। फिर से हमें इन सबको मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे। दूध डालने के बाद फिर से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पकाएंगे। उसमें हमें 1 कप गुड़ डालना है और 2 या 3 हमें इलायची डालनी है। फिर से हमें उनको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं गुड़ गाजर एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। इसमें हमने जो पनीर बनाया था वो भी डालेंगे। उसमें हमें ड्राई फ्रूट्स सूखे में भी डालने हैं और ये मिक्स करना है। इस तरह हमारा गाजर का हलवाई जैसा हलवा रेडी हो गया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।